जनरली बच्चे डाउट में लेके आते हैं। अब अगर कहीं और से इसके सोल्यूशन देखोगे तो पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ये क्वेश्चन करने में। हर अगर स्टेप स्टेप में करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकालना डिफिकल्ट होता है, लेंदी जाएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, उससे करना, तुम्हारा क्वेश्चन बड़े आराम से जाएगा और मुझे दुआएं दोगे, याद रखोगे हाँ सर ने क्या मेथड बताया था। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस इन्होंने दिया है पी बी, उसको हम उल्टा कर देते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है, ए से बी पर गए हैं, बी से सी पर गए हैं, फिर दोबारा ए से सी पर गए। हमने क्या किया, सी से ए चले आए इधर। अब सबको पता होगा कि अगर मैं इधर से इधर आता हूँ तो प्लस क्यू हीट है, तो इधर से इधर जाऊंगा तो वो माइनस की हीट जाएगा। प्लस माइनस क्या, प्लस का मतलब होता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम एंड माइनस की हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। तो अब जो वर्क डन है वो ये पूरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्क डन देगा। अब ये जो पीवी डायग्राम है, इसमें अगर कोई साइकिल बनता है इस टाइप के, जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पॉइंट डिपेंडेंट होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो जीरो चला गया, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इस पूरे साइकिल के लिए। अब इस पूरे साइकिल का मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होती है वो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व होती है, और एरिया ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव होता है। तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ से हम थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं इसका ट्राइंगल का एरिया। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस कितना, देखो ये बी सी, तो 2 4 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट कितना भाई, 6 और माइनस 2 मतलब 4, 4 इंटू 10 की पावर 4, तो कुल मिला के 2 ने 2 को और यह आ जाएगा 40 जूल। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हो गया वो आ जाएगा 40 जूल। अब चलो बात कर लेते हैं हीट को। हीट दिया गया यार इस प्रोसेस में, बीसी में दिया गया है, एबी में दिया गया, बीसी में दिया गया, सीए में हमें निकालना है, और हमें पता ही नहीं वो दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है, वो साइन बता देगा बाद में। तो जो डेल्टा क्यू है, ए बी हीट इन ए बी हीट इन बी सी प्लस हीट इन, यहां से हम लोग वापस आ गए हैं, तो सी ए दैट इज द वर्क डन दैट इज 40 जूल। ये इन्होंने, इनका जो प्रोसेस है हमारे प्रोसेस के अपोजिट है। ये ए से सी तक गए हैं, हम सी से ए आ गए हैं। तो ए से सी तक माइनस यहां लगा दूंगा, इसमें दिए हम 400 जूल ए बी में हीट दिए, 100 जूल बी सी में दिए, और माइनस क्यू ए सी इज इक्वल टू 40 जूल। तो 40 जूल इसको सॉल्व कर लो, तो 400 500, तो क्यू ए सी इज इक्वल टू 460 जूल प्लस, इसका मतलब ए भी हीट दिया गया होगा टू द सिस्टम 460 जूल। फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। इस क्वेश्चन को जैसे बताया हूँ वैसे करना, अदरवाइज तुम हर हर प्रोसेस में हीट निकाल